नमस्कार सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की सितंबर महीने के मंथली प्रिडक्शन करेंगे। ये मंथली प्रिडक्शन है और सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। हालांकि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए होगी, ये लव लाइफ के लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई मैसेजेस मिलते हैं तो आपकी लव लाइफ के लिए, तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। उनके बारे में भी, लव लाइफ के बारे में भी आपको ज़रूर बताती चलूँगी। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सेजिटेरियस की ओवरऑल एनर्जी इस महीने यानी कि सितंबर महीने में कैसी रहने वाली है। ये महीना आपका कैसा जाने वाला है, किस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है, तो चलिए देखते हैं। जजमेंट, तो जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी थी, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उन चीज़ों पर आप फोकस करते नज़र आ रहे हैं। दोबारा से उन चीज़ों को मिलाते हुए एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे से, जिस जॉब, जो जॉब, जो बिजनेस, जो करियर, जो आपके हाथों से जा सकता जा चुका था, उनको आप दोबारा से शुरू करते दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के साथ मिलकर फिर से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए बिना जजमेंटल बने, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना तर्क वितर्क किए, एक फैमिली, एक परिवार की तरह आप उसमें काम करते दिखाई दे रहे हैं। आपको उसमें अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और शुरू से इस चीज़ों को शुरू कर देते हैं और बिना जजमेंटल बने, एक फैमिली, एक परिवार की तरह काम करेंगे, तो फिर से इसमें आपका जो बिजनेस करियर, जो जिसमें सेपरेशन हो चुका था, दूरियां आ चुकी थी, वो सब चीज़ें आपकी फिर से मिलती दिखाई दे रही हैं। और अगर लव लाइफ की बातें करते हैं तो जो सेपरेशन, दूरियां, बाधाएं आपकी लव लाइफ में आ चुकी थी, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर दोबारा से शुरू से शुरू करते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी, मतलब उन चीज़ों पर रहने वाली है जो आपके हाथ से जा चुकी थी, दोबारा से उनको मिलाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह उनके साथ आप इस पर फोकस करने वाले इस महीने में। तो देखते हैं कि जो सेजिटेरियस के लिए जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं कैसी रही है। द हैंग्ड वन, किसी चीज़ को लेकर आपने स्टक महसूस किया है, रुका सा था, बाता, आपको लगा कि जो चीज़ें आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, दिल से मतलब लग रहा है कि आप किसी उस चीज़ के लिए सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इधर लग रहा है कि आप नज़रिया चेंज करते, उसके लिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं। कि जिसने भी, अगर आपने पास्ट में स्पिरिचुअल ग्रोथ की है तो अपना नज़रिया चेंज किया है, तो आप बढ़ते आगे दिखाई दिए हैं, मतलब उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाया है, मजबूत बनाया है, जिनके लिए आप स्टक एनर्जी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। तो क्लैरिफाई करते हैं द हैंग वन को। द हर्मिट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपका पास्ट है उस पर आप ने महसूस किया है, जो जॉब था, जो बिजनेस थी, जो करियर था, जो पैसा मनी था, या फिर जो लव लाइफ थी, उसमें आपने रुका थम्बा थम्बा अपने आप को महसूस किया है और स्पिरिचुअल ग्रोथ की है आपने। क्योंकि आपने महसूस किया कि जब तक आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे, अपना नज़रिया चेंज नहीं करेंगे, और जो आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ आपका लाइफ स्पेंड होगी, जिनके ऊपर आप टिके हुए हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप और टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप
आप कंफ्यूज्ड रहे हैं, कंफ्यूजन में रहे हैं, थोड़ा सा आपने आपको महसूस किया कि आपको पहले हीलिंग मेडिटेशन प्रेयर करनी है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, या अपना प्यार जो आपका जा चुका था उस पर जो जिसकी तरफ आपका काफ़ी अट्रैक्शन रहा है, अट्रैक्टेड रहे हैं, या उस जॉब बिजनेस करियर की तरफ अट्रैक्टेड रहे हैं जहाँ आपका मन लगा हुआ था उस जॉब के प्रति, उस बिजनेस के प्रति, और काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आप महसूस कर रहे थे, तो उसमें आप कंफ्यूज्ड दिखाई दिए हैं, इसलिए आप रुका रुका थंबा थंबा सा अपने आप को महसूस कर रहे थे और रिकॉन्सिलेशन करते, यानी कि दोबारा से उन चीज़ों को मिलाते दिखाई दे रहे हैं आपको। आपने महसूस किया है कि जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, जब तक आप दूसरे के भरोसे पर रहेंगे, जब स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन नहीं करेंगे, अपने आप को स्पेस नहीं देंगे, अपने आप को मौका नहीं देंगे, तब तक आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आपने महसूस किया है इन चीज़ों को, और आपने महसूस किया कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो यूनिवर्स आपको आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी, और स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, अपना नज़रिया चेंज कर पाएंगे, उन चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे जो आपकी लाइफ से जा चुकी है, चाहे वो जॉब बिजनेस करियर है या फिर लव लाइफ है। तो उसमें क्योंकि उन चीज़ों से आप काफ़ी अट्रैक्टेड रहे हैं, आपने जो भी आपका जॉब के जहाँ जिसके साथ आप जॉब करते थे, जो आपके पार्टनर रहे हैं, वो उनके साथ आपको जॉब करने में काफ़ी मज़ा आता था, उनके साथ बिजनेस करने में काफ़ी अच्छा लगता था, तो उनके साथ आप अब भी अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं आपको, आपने पास्ट लाइफ में महसूस किया है कि अगर दोबारा से आप अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं और दोबारा से उन्हीं के साथ इसमें एक नया मोड़, नया अंजाम दे देते हैं, दोबारा से शुरू इस चीज़ों को शुरू कर लेते हैं, तो आप इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं और सारी चीज़ें पहले की तरह हो सकती हैं। उन चीज़ों में जो सेपरेशन हो गया था, जिसमें दूरियां आ गई थी, जो जॉब बिजनेस करियर जा चुका था, या फिर लव लाइफ में आप अकेले पड़ गए थे, दोबारा से उन चीज़ों वे चीज़ें आपको मिलती दिखाई दे रही हैं, वही जॉब, वही बिजनेस दोबारा से आप उसको शुरू करते दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दिया है, आपने उस पर फोकस किया है, तो काफ़ी स्ट्रगल आपने किया है, लेकिन आखिरकार जो आपका रिसेंट पास्ट है वो अच्छा बीता है, क्योंकि आपने एक दूसरे का की भावनाओं को महसूस करते हुए उनके साथ अट्रैक्शन फील किया और आपने एक नया अंजाम देने की कोशिश की। तो प्रेजेंट करंट देख लेते हैं कि प्रेजेंट करंट लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है, फिलहाल कैसी लाइफ आपकी चल रही है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आप उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं जो चीज़ें आपको बाधाएं दे रही हैं, दुख तकलीफ दे रही हैं, उन बैगेजेस को आप या तो कह सकते हैं कि साथ में लेकर जा रहे हैं या भुला कर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप यहीं पर रुके रहे तो आप परेशानी दिक्कत में रह सकते हैं, आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो बाधाएं परेशानियां दिक्कतें दे रही हैं, और ऐसी जगह पर, ऐसे लोगों के बीच में, ऐसी संगत में जाइए जो आपको एक नई ऊर्जा दे, नई ताकत दे, नई ही नई शक्ति दे, और आप सारी चीज़ें जो बिजनेस करियर या लव लाइफ जो आपका ख़त्म हो चुका था दोबारा से आप गेन कर सकें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को। डेथ, द फूल एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, आपको उन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो आपसे, आपके लिए बनी ही नहीं है, जो चाहे वो जॉब बिजनेस करियर है या पैसा है या लव लाइफ है, या उन चीज़ों को जो आपको टॉक्सिक बना रही हैं, जो बाधाएं दे रही हैं, जो जब तक आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप उन चीज़ों को बदलेंगे नहीं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए, उस जगह को छोड़ दीजिए, जॉब बिजनेस करियर को छोड़ दीजिए जहाँ आप जिसके साथ आपको बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें मिल रही हैं, जब तक आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, भले ही उन्हें छोड़ने में दुख तकलीफ हो रहा है, अपनों को छोड़ने में दुख हो रहा है,
लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, तो बिना बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, और ऐसे ही आपको जंप नहीं लगाना है, आंखों पर पट्टियां बांधकर आगे नहीं बढ़ना है। समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ अगर आप एक्शन लेंगे, और जो आप कड़वा बोलते थे, तीखा बोलते हैं, अगर वाणी पर कंट्रोल करते हुए सामने वाले से प्यार से, प्रेम से पेश आते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, करियर, आपका करियर है उस चीज़ को लेकर, या फिर लव लाइफ है, तो पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को भुलाकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो प्रेजेंट आपका अच्छा जा सकता है। और ऑनलाइन भी अगर आप दूर रहते हैं तो ऑनलाइन भी आप इसमें चैटिंग कर सकते हैं, मैसेज कॉल के थ्रू इस कन्फ्यूज़न, इस दिक्कत से बाहर निकल सकते हैं, तभी आपका जो प्रेजेंट करंट लाइफ है वो अच्छी जा सकती है। तो देखते हैं कि फ्यूचर, जो नियरेस्ट फ्यूचर है, वो आपका कैसा रहेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी आ रही है, कोई अगर आप फोकस करेंगे उस चीज़ पर, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए, या फिर लव लाइफ के लिए, तो स्टेबिलिटी आएगी। कमिटमेंट वगैरह देंगे कि आप कोई, मतलब ऐसी उनको विश्वास दिलाएंगे कि आप दोबारा से ये वो गलतियां नहीं करेंगे जो आप पहले कर चुके थे, तो आप दोबारा से, आपको वही जॉब मिल सकती है, वही बिजनेस मिल सकता है, या फिर बहुत अच्छी जॉब, बिजनेस, करियर के प्रति आप स्टेबल हो सकते हैं। लव लाइफ की बात करते हैं तो कमिटमेंट वगैरह अगर करते हैं तो ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है, फिर से घर बनना, घर बसना, सब सारी चीज़ें अच्छे से बनना, लाइफ स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर में दिखाई दे रही है। तो स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, वही जो चीज़ें आपसे जा चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, वही बनती दिखाई दे रही है। नाइन ऑफ कप्स क्लैरिफाई करते हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आपके जो परेशानी है वो पैसे से लेकर रही है या लव लाइफ से लेकर रही है, तो आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि अगर जिस चीज़ के लिए, हो सकता है कि पैसे को लेकर आपकी लव लाइफ में भी इधर झगड़ा, बाधाएं, दिक्कतें आती दिखाई दे रही है, या जहां आप जॉब, बिजनेस करते थे, आप अपने पार्टनर के साथ आपके ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, जिसकी वजह से इन एंड आउट की पोजीशन रही है, कभी आप जॉब छोड़ रहे हैं, कभी फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया है। तो उन सब चीज़ों को अगर आप एक दूसरे पर थोड़ा सा बिलीव कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, अंधविश्वास भले ही ना करें, तो और एक समय रहते उसमें एक छोटी सी बिगनिंग, छोटी सी शुरुआत कर लेते हैं, भले ही वह धीरे धीरे आगे बढ़े, तो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो ज़रूर पूरी होगी। तो फ्यूचर में आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, काफ़ी स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, अगर आप जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, और जिन चीज़ों के लिए बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही थी, उसको फोकस करके उसे, उन चीज़ों से निजात पाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी विश फुलफिलमेंट जरूर होती दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो कमिटमेंट वगैरह होकर शादी में चीज़ें कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है, रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है, घर बनना, घर बसना, उनके साथ लाइफ स्पेंड करना, खुशियां मनाना, चीयरफुल होना, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही है, और पैसे से के प्रति भी अच्छी इसका दिखाई दे रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस आपकी क्या रहेगी सेजिटेरियस के लिए, सितंबर महीने के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को, कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़े को, जिसमें उन सब चीज़ों को ख़त्म करना है, जो इस पर, और उस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है, जो ओवर कंट्रोल को ख़त्म करना है, जो जिससे आप चिपके हुए हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, या फिर वो चीज़ें, वो बातें, वो लोग हो सकते हैं जिनसे आप
चिपके हुए हैं, तो उनको रिलीज कीजिए, समय के साथ फलों के साथ बहने दीजिए और आपस में बातें करके इस लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट को, वाद विवाद को, इस झगड़े को ख़त्म कर दीजिए और जो टेम्पर है, जो गुस्सा है, उसको थूक दीजिए। एक बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी में अपने आप में कंट्रोल कीजिए, पेशेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। और अगर आप उन गुस्से को, उस ओवर कंट्रोल को छोड़ देते हैं, उन और जिन चीज़ों से आप चिपके हुए हैं, जो रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं, तो आगे आप धीरे धीरे करके स्टेबल हो सकते हैं। एक पेशेंस लाइए, एक स्टेबिलिटी लाइए लाइफ में, तो तभी आपकी लाइफ में खुशियां आ सकती हैं, नहीं तो आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। और लव लाइफ के लिए भी अगर आप एक कंट्रोल को ख़त्म करते हुए एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, प्यार से, प्रेम से पेश आते हैं, ओवर थिंकिंग को, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देते हैं और बिना झूठ बोले, बिना विवाद किए, बिना झगड़ा किए आगे बढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो आज कर लीजिए, और कमेंट्स देना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे ही शुरू कर दीजिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।